हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज़ में। तो आज हम बनाएंगे बिना फटे गुड़ की चाय की रेसिपी। तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए और चाय की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना फटे गुड़ की चाय कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर हमें चाय का पैन रख देना है और यहाँ पर आज हम 2 कप गुड़ की चाय बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पैन में डाल देना है 2 कप दूध। चाहे तो आप 1 कप पानी और 1 कप दूध का भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद 2 कप चाय के लिए हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच चाय की पाउडर। चाय की पाउडर आप आपके चॉइस से कौन से भी ले सकते हो। और उसके बाद चाय में फ्लेवर आने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 क्रश की हुई हरी इलायची और थोड़ी सी अदरक हमें ग्रेट करके चाय में डाल देनी है। अब इस चाय में हम अभी गुड़ नहीं डालेंगे, गुड़ को हम बाद में चाय में डाल देंगे। तो इस चाय को हमें हाई टू लो फ्लेम पर अब अच्छे से उबल आने देना है। यहाँ पर हमारी चाय को अच्छे से उबल आ गया है। उबल आने के बाद हमें चाय को चम्मच से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर अब इस चाय को हम 2 मिनट तक उबलने देंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय को 2 मिनट तक उबाल लिया है। आप देख सकते हो 2 मिनट के बाद चाय का कलर डार्क हो चुका है। अब इस चाय में हम डाल देंगे गुड़। चाय में गुड़ डालने के लिए यहाँ पर मैंने गुड़ को ग्रेट किया है। ग्रेट करके गुड़ को यूज़ करेंगे तो हमारा गुड़ चाय में जल्दी से मिक्स हो जाता है। और ये गुड़ यहाँ पर मैंने विदाउट केमिकल वाला ले लिया है। 2 कप चाय के लिए हम चाय में डालेंगे 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ गुड़। और चाय में गुड़ डालने के बाद हमें हल्के हाथों से गुड़ को चाय में इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है और लो फ्लेम पर ही इस चाय को हमें उबाल आने देना है। तो यहाँ पर हमारे चाय को अब उबाल आ गया है और हमारी चाय बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो इससे ज़्यादा हम इस चाय को उबालेंगे नहीं, तो गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और चाय को छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी चाय बिल्कुल भी नहीं फटी है और अदरक और इलायची के फ्लेवर के साथ हमारी एकदम कड़क गुड़ वाली चाय बनकर रेडी हो गई है। गुड़ की चाय पीने में बहुत टेस्टी होती है और साथ ही साथ हमारे सेहत के लिए भी अच्छी रहती है, तो गुड़ की चाय हमें पीनी ही चाहिए। आप मेरे बताए तरीके से एक बार गुड़ की चाय ज़रूर बना के देखिए, आपकी गुड़ की चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और आपको मेरी ये गुड़ की चाय की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।